कंगना ने किसकी थाली में खाया, किसके खाली में कंगना ने छेद किया। और मैं आपसे पूछता हूं और पूछता है भारत, रवि किशन, आपने क्या किसी और की थाली में खाया और छेद किया? ये क्यों कहा जा रहा है, इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों हो रहा है रवि किशन जी? पूछता है भारत। मैं अर्णव जी आपको प्रणाम करता हूं, साधुवाद। समस्त पूछता है भारत के दर्शक को जो इस वक्त पूरा देश पूरा विश्व देख रहा है हमको। मैं बहुत हर्ट हुआ जब मैंने सुना। मैं जया जी की बहुत इज्जत करता हूं, हमेशा सेंट्रल हॉल में उनके पे प्रणाम करता हूं। जया जी ने भोजपुरी फिल्म की थी गंगा, उसमें हम नायक थे, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब भी थे, अच्छे संबंध थे। हमने अभिषेक बाबू के साथ, ऐश्वर्या जी के साथ भी काम किया रावण फिल्म में। बट आई नेवर थॉट कि मुझे एक ऐसा वार पलटवार आएगा। मैंने अपनी इंडस्ट्री को, जो एक फिल्म इंडस्ट्री, उसको बचाने की बात कही थी कि वहां पर एक कार्टल, एक माफिया घुस गया है, ड्रग्स बेच रहा है, करोड़ों का बिजनेस हो रहा है। ये कौन लोग हैं? जब जया जी आई थी तो ये ड्रग माफिया नहीं था, ये केमिकल ड्रग्स नहीं थे। अमित जी आए थे, नहीं थे। मैं 90s में आया था जब अक्षय कुमार वगैरह एक लॉट हम लोगों का पूरा आया था, तब ये केमिकल वर्ड नहीं आया। ये अचानक 10 साल में ये ड्रग का रैकेट इतना बड़ा कैसे हो गया? और जहां पर आग वही लगती है, जहां धुआं वही होता है, जहां आग लगती है। तो मेरा सवाल अपनी सरकार के सामने गुहार थी कि मेरी इंडस्ट्री को बचाएं, मेरे आने वाली जनरेशन को बचाएं, मेरे देश के युवाओं को बचाएं। ये कोई खोखला कर रहा है, द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड को कौन खोखला कर रहा है? ये किसकी प्लान साजिश है जो हमारी इंडस्ट्री को चाट रही है ड्रग्स के माध्यम से? और ये बोलना मेरे लिए बहुत जरूरी था, एक सांसद के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में, चूंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 से गंदगी साफ कर रहे हैं, विचारधाराओं की गंदगी, पाकिस्तान की गंदगी, चाइना की गंदगी, ये ड्रग्स की गंदगी को भी हम लोगों को साफ करना था। और ये मेरी आवाज निकलना बहुत जरूरी था। कल मेरे बच्चे आएंगे, आपके बच्चे आएंगे, पूरी जनरेशन आएगी देश की इंडस्ट्री में काम करने। एक ड्रग के माहौल में मेरे बच्चे ना आए, फिल्म इंडस्ट्री में पद्मश्री, पद्म भूषण और न जाने भारत रत्न के ऐसे बड़े बड़े सम्मान मिलते हैं, अचानक इंडस्ट्री का नाम इतना खराब हो रहा है, जहां पे इतने इंडस्ट्री चुनिंदा लोग ड्रग्स ले रहे हैं, लेकिन पूरी इंडस्ट्री उसके लपेट मारी। मेरी आवाज ये थी, लेकिन उन्होंने मेरे व्यक्तित्व को सुना ही नहीं और उन्होंने अलग पलटवार किया और मुझे थाली और छेद और पता न जाने, हमको बहुत हर्ट हुआ। मैं जानना चाहता हूँ अर्णव जी की कौन सी ये क्यों, ये थाली और छेद वाली बात क्या है? देखिए आप कौन सा खाना, रवि किशन जी, आप गोरखपुर के सांसद नहीं है, हमारे बड़े भाई हैं आप, और पूरा भारत आपको अपना भाई अपना बेटा ऐसे समझता है। रवि किशन जी, रवि भैया कहते हैं आपको, रवि भैया आपके साथ रिलेट करते हैं लोग। आप जाए रास्ते में ना, आपको लोग प्रणाम नहीं करेंगे, आपको गले लेंगे, आपको गले मिलाएंगे आपके साथ, आपको रवि भैया मानते हैं। तो मैं भी आपको कहूंगा कि रवि भैया जी, ये बताइए, ये जो सेल्फ मेड लोग हैं जो गांव और छोटे शहरों से आते हैं, उनके साथ ऐसी ट्रीटमेंट क्यों?